हाउस मीटिंग चल रही है इस वक्त भी, वो तमाम क्रियाएं अंदर चल रही हैं, परंतु उसी में थोड़ा सा समय निकाल के डिप्टी मेयर हमारे साथ बातचीत करने के लिए थोड़ा सा समय निकाल पाए हैं। तो सर आप तो जानना चाहेंगे, ये जो जनरल हाउस मीटिंग चल रही है इसमें रेजोल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर प्रोसेस भी है और डिस्कशंस भी हैं, इसके विषय पर थोड़ा बहुत जरूर बताएं, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आखिरकार आज की जनरल हाउस मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है। मीटिंग जो दो दिन के लिए शुरू की गई थी, आज पहला दिन था। पहले दिन में हमारा क्वेश्चन आवर चले, उस क्वेश्चन में सभी पार्षदों ने अपने अपने, क्योंकि बीच में पहले दो नहीं लगा था, फिर नहीं हमारे हाउस की रेनोवेशन हो रही थी, वो भी लेट हुआ, साढ़े तीन महीने के बाद हाउस लगा, तो पार्षदों की बहुत सारी डिमांड थी, बहुत सारे काम थे, उनके जेल में चर्चा हुई है, क्वेश्चन आवर हुआ। इस क्वेश्चन आवर में पार्षदों ने स्मार्ट सिटी में क्या चल रहा है, उनको अपने अपनी ग्रीवेंसेस थी, और भी बहुत सारे जो काम है उनके लिए चर्चा खास आज रहा कि अपने ड्रग व्यूज पे जो इतना नशा जो है जम्मू में घर कर रहा है, जो चिंतित है, हर माँ बाप चिंतित है, हर लोग चिंतित हैं, बड़ी इसे बड़ी तेजी से जम्मू में इस तरह फैल रहा है, इसके साथ बड़ी विस्तार के साथ हमारी चर्चा हुई है। तो इसके साथ साथ हमने एक पारदर्शिता लाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को बुलाया गया था, कांग्रेस के भी, एनसी के भी, बाकी पार्टीज को भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आज अरविंद राणा जी और विभोद गुप्ता जी जो महामंत्री हैं वो भी बीच में हमारे आए हैं। मुझे लगता है कि एक बड़े अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से हाउस चल रहा है और पार्षद भी बड़े अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कामों की मंजूरी भी दे दी गई है। एक बात खास बात हमने कही है, जो जम्मू शहर के लोगों को बड़ी एक पैनिक थी कि हम उनके प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आज हमने वो भी क्लियर किया है, टैक्स नहीं लगा रहे, जो टैक्स ऑलरेडी सही ढंग से लेने की कोशिश, कोई नहीं सवाल अंदर पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर ये उन सवालों में बहुत सी परेशानी हैं जिनको कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया जा रहा है। तो तमाम जितने भी सवाल निकल के आए हैं, चाहे सफाई कर्मचारियों की कमी हो या फिर और अपनी मनमानी को लेकर या फिर कोऑर्डिनेशन की कमी को लेकर बात की गई हो, क्या उन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाए जाने के ऊपर कार्य किया जाएगा? वो इमीडिएट सुधार ली जाएंगे, कोऑर्डिनेशन की कमी है, सफाई कमी है, या कोई जो उन्होंने बोला कि जो हमने बैक टू विलेज के तर्ज पे हमने पार्षदों के वार्डों में हमने लोग अधिकारी भेजने थे, उनका हमने थोड़ा अमेंडमेंट की है कि आप 15 दिन के बाद एक बार जाएंगे, उसका सुधार करने के लिए कह दिया है। बट कुछ उनके काम ऐसे होते हैं, फंड्स की कमी होती है और डिमांड और फंड्स के बीच जो गैप आता है वो काम थोड़ा होने में टाइम लगता है, बाकी जो जिसमें कोई फाइनेंशियल चीज इन्वॉल्व नहीं है, हमारे पास पैसे की नहीं, वो हम इमीडिएट उसको रिजॉल्व करने की सर अभी तक एक पुत्री तवी की जब हम बात करते हैं, जो कि जेडीए हरिपाक की साइड से अगर आप व्यू वहां का लें तो वो पूरी सूर्यपुत्री तवी इस वक्त गटर से ज्यादा गंदी हालत हो चुकी है, इतने ज्यादा बुरे हालात हैं कि वहां पे खड़े होने में भी लोगों को डर लगता है कि ना जाने कितनी बीमारी के ऊपर भी की जाएगी बात की जाएगी। हमने सोचा है बट हमने किया कि एक जैसे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तवी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी और उसके लिए हम अलग ही फंड्स जो है वो रखने की प्रयास कर रहे हैं, उसका भी हम इस हाउस में डिस्कस करेंगे। अगर ये हमारे पार्षद पास करते हैं तो तवी के रख रखाव के लिए भी हम अलग ही एक चीज बनाएंगे, वो भी करेंगे। तो ये जिनकी तरफ से कुछ एक पहलू जो हैं आज की जनरल हाउस मीटिंग के वो प्रेजेंट किए गए हैं। काफी लंबी प्रोसेस है, दो दिन ये चलने वाली है और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी हो रहे हैं, अलग अलग जितने भी वार्ड से काउंसलर्स आए हुए हैं उन्होंने अपने सवाल जो भी उनके डाउट हैं वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं और उनको सेटिस्फाई या अनसेटिस्फाई करने वाले आंसर्स भी मिल रहे हैं। और आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस की जाएंगी, कितने रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किए जाएंगे, वो तमाम जानकारी जल्द गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मैं रीतिका राजपूत कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद।